आनंद से संध्या वंदन है, पार्थिव पूजन है और फिर शास्त्र चिंतन है, श्रवण है, मनन है। सखा बचन सुनी बिटप निहारी, भरत जी महाराज देखते हैं। ओहो, ये वर्णन है महाराज, श्री राम का दर्शन श्री भरत जी थोड़े दूर से करते हैं। कैसे करते हैं? सखा समेत मनोहर जोटा, सखा समेत न लखन सघन बन भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदनु सुहावन, करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा, देखे भरत लखन प्रभु आगे, देखे भरत लखन पूछे बचन कहत अनुरागे, शीश जटा कटिपट मुनि बांधे, तून कसे कर सरु धनु कांधे, वेदी पर मुनि साधु समा सहित राजत रघुराजु, बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश कीन रति रामा, कर कमल निधनु सायकु फेरत, जिय की जरनी हरति हसी हेरत, जिय की जरनी हरति हसी हेरत, लसत मंजु मुनि लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सिय रघुचंद,
ज्ञान सभा जनु तनु धरे ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगत सच्चिदानंद सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे हरष शोक सुख दुख गन पाहि नाथ कही पाहि गोसाई पाहि नाथ कही पाहि गोसाई भूतल पर लकुट की नाई वचन समेत लखन पहचाने करत प्रणाम भरत जिय जाने बंधु सन हसरस साहिब सेवा बस जोरा मिली न जाई नहीं गुदरत बनाई सुख विलखन मन की गति भनई रहे राखी सेवा पर भारू चढ़ी चंग जनु खैच खिलारू कहत स प्रेम नाई गग माथा भरत प्रणाम करत रघुनाथ उठे राम सुनि प्रेम अधीरा उठे राम सुनि प्रेम कहुन संग धनु चीरा बर बसलिए उठाई उर भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबहि अपान
बिसरे सब ही अपान, नारायण नारायण। श्री भरत जी का मिलन का प्रकरण है। श्री भरत जी को जब निषाद राज दिखाते हैं तो ऐसा उनको लगता है प्रवेश करते हैं आश्रम की ओर। करत प्रवेश मिठे मिटे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा। इस पंक्ति को लेकर के फिर इसी भरत जी की यात्रा का फिर आध्यात्मिक व्याख्यान भी किया जाता है। इस बार हम उधर नहीं जाते। जिम जोगी परमारथ पावा, देखे भरत लखन प्रभु आगे। दृश्य क्या देख रहे हैं भरत जी? भरत जी को वहाँ अभी तक किसी ने नहीं देखा है। भरत जी देखते हैं कि राम जी बैठे हैं और लक्ष्मण जी उनकी ओर झुक के मानो कोई आज्ञा ले रहे हैं, कोई आज्ञा मांग रहे हैं, कोई आज्ञा ले रहे हैं। लक्ष्मण जी झुके हुए हैं, भगवान उनसे कुछ कह रहे हैं। देखे भरत लखन प्रभु आगे पूछे वचन। लेकिन भगवान जब पूछते हैं ना, बड़ा ही अनुराग से पूछते हैं। वो देखा दृश्य उन्होंने, पूछे वचन कहत अनुरागे। लक्ष्मण जी ने कुछ पूछा है, कोई आज्ञा ली है, और श्री राम प्रभु बड़े अनुराग से बड़े भाव से उनको कुछ समझा रहे हैं। दृश्य क्या है? शीश जटा। श्री भरत जी ने पहली बार जटा में दर्शन किया। अभी तक तो वनवास की छवि उनके सामने थी नहीं। शीश जटा कटी मुनि पट बांधे, क्या गुजरी होगी उनके ऊपर। शीश जटा मुनि पट कटी मुनि पट बांधे, तून कसे। तून माने तरकस, तरकस कसा हुआ है। मुनियों की सभा में भी जब प्रभु बैठते हैं, इसलिए गीता जी में लिखा रामो शस्त्र भृता महम, शस्त्रों से प्रेम करने वालों में मैं श्री राम हूँ। राम जी सोते समय लोग अपने अस्त्र शस्त्र लेके सोते हैं, वो तो अब आजकल कॉमन सा हो गया, लेकिन मुनियों की सभा में देखो बोला, संध्या वंदन करके पूजा करके ऋषि मुनियों की सभा में विराजमान है। तून कसे कर सर धनु कांधे। बस यहाँ इतना ही है कि धनुष का संधान करके नहीं बैठे। कर में है बाण, माने बाण तो हाथ में ही है। कर सर धनु कांधे, धनुष कंधे में है, लेकिन बाण को बीच बीच में जरा देखते रहते हैं। सीधा तो है, नोक इसकी ठीक है। ऐसा प्रेम करते हैं महाराज शस्त्र से। वेदी पर मुनि साधु समाजू, कौन लोग बैठे हैं? साधु समाज के लोग बैठे हैं। सीय सहित राजत रघुराजू, जानकी जी के साथ आप दर्शन करिए वेदिका पर। बोलते हैं सीय सहित राजत रघुराजू, बलकल बसन राम राम। भरत जी दर्शन कर रहे हैं। बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जटिल मने जटा है, श्याम तनु है। जनु मुनि वेश कीन रति कामा, जैसे रति और कामदेव ने मुनि वेश धारण कर लिया है। श्री भरत जी ने देखा कि उस समय भी बीच बीच में राम जी का हाथ जो है वो धनुष को सहला लेता है, बाण को सहलाता है। देखें भला,
कर कमलनि धनु सायक फेरत, ऐसे ही बगल में ऐसे रखा होगा बाण तो उसको जरा सहला लिया, कंधे पर धनुष है तो कभी हाथ उधर चला जाता है, इतना प्रेम है। रामो शस्त्र भृतामहम कर कमलनि धनु सायक फेरत, और कभी हंस के किसी की ओर देख लें तो उसके हृदय की जलन हमेशा के लिए शांत हो जाती है। जिय की जरनी, इसका अनुवाद नहीं हो सकता, जिय की जरनी हरत हंसी हेरत, किसी की ओर हंस के हेर लें देख लें तो बस उसकी फिर जलन कभी लौट के नहीं आती। ऐसा दृश्य देखा है श्री भरत जी ने दूर से, अभी भेंट नहीं हुई। लसत मंज मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंद ज्ञान सभा जनु राजती, ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंद। जानकी जी को यहाँ गोस्वामी जी भक्ति कहते हैं, कभी कभी माया भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जानकी जी को साक्षात भक्ति कहा। दोनों बैठे हैं, श्री भरत जी महाराज धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और फिर पूरी तरह से सामने पहुँचे नहीं थे, अभी भी थोड़ी दूर हैं लेकिन चल नहीं पाए, लेट गए, एकदम गिर पड़े। पाही पाही पाहीनाथ, यही आवाज हो गई होगी, पाहीनाथ कही पाही गोसाई, दो बार बोला होगा, पाहीनाथ कही पाही गोसाई भूतल परे हो, गिर पड़े, अब आगे नहीं बढ़ पाए। कैसे गिरे, लकुट की नाई, जैसे कोई लकड़ी गिर पड़ती हो बिना सहारे के। भूतल परे लकुट की नाई, लक्ष्मण जी को सुनाई दिया, राम जी थोड़े दूर हैं। लखन सपेम बचन सपेम लखन पहचाने करत प्रणाम भरत, ये तो भरत भैया की आवाज है, वही प्रणाम कर रहे हैं, हृदय में पहचान लिया। अब वो चाहते हैं भरत जी से जाके मिले, उनको लिवा लाए, लेकिन राम जी के पहरे में है, दोनों तरफ खींचा खींची चल रही है। क्या लिखते हैं, बंधु स्नेह सरस एही ओरा उत साहिब सेवा बस जोरा, दूसरी तरफ साहब के सेवा में है, बीच में लक्ष्मण जी हैं, मिल न जाए, मिलते भी नहीं बनता, गुदरत बनाई और नहीं मिलते हुए भी नहीं बनता, रहा भी नहीं जाता, मिला भी नहीं जाता। सुकवि लखन मन की गति भनई, कोई बढ़िया कवि होगा तो बताएगा कि लक्ष्मण का मन में क्या था, अब मैंने तो इतना ही बताया। गोस्वामी जी बोलते हैं, रहे राख सेवा पर भारू, जैसे महाराज पतंग होती है ना, पतंग तो उसको ढील देते हैं, खींचते हैं, ऐसा लगता है कि कोई पतंग उड़ाने वाला पतंग को खींच रहा है नीचे, लेकिन असल में तो वो उसको और ऊपर उड़ाना चाहता है। उसी तरह से श्री लक्ष्मण जी मानो भरत जी को छोड़ रहे हैं, खींचे किधर, राम जी की ओर, राम जी की ओर खींच के राम जी से बोलते हैं, प्रभु भरत प्रणाम करें। भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, ओ कहत सप्रेम नाई, लिखते हैं, रहे राख सेवा पर भारू चढ़ी चंग, चंग माने पतंग, हाँ चढ़ी चंग जनु खैच खेलारू, कहत सप्रेम नाई महिमा था, किधर झुके हैं, उधर गिरे पड़े हैं, भरत जी उनको छोड़ दिया, राम जी की ओर झुक करके बोलते हैं और वो भी प्रणाम करके बोलते हैं, कहत सप्रेम नाई महिमा था भरत प्रणाम करत, प्रभु भरत जी की, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं वहां गिर पड़े।
उठे राम, ये राम जी उठे। पहली बार उन्होंने अपनी सारी उपाधियां छोड़ दी चारों। उठे राम मुनि प्रेम अधीरा कहूं पट, ये निरुपाधिक मिलन है भैया। कहूं पट कहूं निसंग, इतना धनुष बाण से प्रेम करने वाला जो मुनियों की सभा में भी नहीं छोड़ता वो सब गिर पड़ा। कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा बरबस लिए उठाई। अब वो तो गिरे पड़े थे, बलात् उनको हृदय से लगाया है उठा करके। राम भरत राम की मिलनी लखी, बिसरे सब ही अपान, सबकी अस्मिता का लोप हो गया। ये जो मैं हूं ये निरंतर एक तानपुरा बजता रहता है ना, इसका लोप हो गया। बिसरे सब ही अपान, ऐसा जो मिलन हुआ है वो स्वामी जी से पूछा अभी कैसा है, अभी क्या हाल है वहाँ। बोले अब मैं नहीं बता पाऊँगा, इतना बोलता हूँ निरुपाधिक मिलन है। परम प्रेम पूरन दो भाई, परम मन बुद्धि चित अहमित बिसराई, मन बुद्धि चित अहमित बिसराई, मन बुद्धि। अब देखें भरा ये सब मिलन है, ये कैसे कोई कहे। मिलते हैं भरत जी राम जी परम प्रेम से परिपूर्ण हैं, लेकिन वो प्रेम मानस नहीं है, वो प्रेम अंतःकरण में नहीं है। देखो चौपाई क्या लिख डाली, मन बुद्धि चित अहम इति बिसराई, इसलिए मैंने कहा निरुपाधिक है ये। अब हम तो लोग समझते हैं प्रेम एक भावना है जो चित्त में रहती है, अब यहाँ चित्त ही नहीं है। प्रेम ऐसा भी हो सकता है, न उधर चित्त हो न इधर चित्त हो, प्रेम हो। और गोस्वामी जी का ये उस पर दावा है कि वही प्रेम पूरा होता है। औपाधिक प्रेम में कहीं कोई चीज शायद रह जाती हो। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति विसराई, ऐसा मिलन हुआ। अब जब बैठे मिलकर के लक्ष्मण जी से सबसे, तो कोई बोलता नहीं, नहीं कछ कहो, को कुछ कह ही न को कुछ पूछा। राम जी कुछ पूछते नहीं, भरत जी कुछ कहते नहीं, भरत जी कुछ पूछते नहीं, राम जी भी कुछ कहते नहीं। ऐसी दशा बनी रही, थोड़ी देर तक बनी रही। क्यों? क्योंकि प्रेम इतना भरा हुआ है कि मन मन की जो अपनी गति है ना, उसका लोप हो गया। प्रेम मगन मन निज गति छूछा, प्रेम की निज गति क्या है, मन की निज गति क्या है, चांचल्य, चंचलम ही मन कृष्ण। लेकिन आज वो उसकी निज गति खत्म हो गई। को किछु कहई न को कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा, तेही अवसर केवट धरी धीरज, केवट धीरज रखता है। राम जी को वो सोचता है कि ऐसे तो कितनी देर हो जाएगी, और वहाँ वशिष्ठ जी भी बैठे हैं, माताएं भी बैठी हैं,
वो केवट बोलता है नाथ, लक्ष्मण जी नहीं बोलते, भरत जी नहीं बोलते, शत्रुघ्न जी नहीं बोलते, केवट बोलता है नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुरलोग सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग, आपके वियोग में गुरुदेव वशिष्ठ पधारे हैं, सारी माताएं पधारी हैं, अयोध्या के लोग पधारे हैं, सेवक पधारे हैं, सेनापति लोग पधारे हैं, सचिव लोग पधारे हैं, सब लोग प्रतीक्षा में हैं। ओहो, अब ये थोड़ा सा लोग जगे और फिर भगवान गए हैं उनको लिवा लाने के लिए। भगवान ने वशिष्ठ जी को दूर से प्रणाम किया तो कहते हैं, भाव बताते हैं लोग कि चूंकि निषाद राज ने जब मुनिवर को प्रणाम किया था तो आशीर्वाद दूर से ही दे दिया था उन्होंने, तो भगवान ने कहा भाई बिना मित्र को अगर दूर से तो फिर मैं भी दूर से, तो दौड़े वशिष्ठ जी दौड़े हैं और श्री राम जी को गले से लगाया, मुनिवर धाई लिए उराए, दौड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, दूर से प्रणाम किया राम जी ने ना, तो फिर उनको संदेश पहुंच गया कि ये भेदभाव मेरा ठीक नहीं है, भगवान से और भगवान के भक्तों से भी अगर दूरी बरती जाए तो भगवान भी फिर दूर से ही दंडवत। तो धाई पुल मुनिवर धाई लिए उर लाई, प्रेम उमग भेंटे दो भाई, दोनों भाइयों को गले लगाते हैं। अब केवट ने फिर से प्रणाम किया, देखिएगा ये तुलसी की मौन क्रांति है। राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, प्रेम पुलक ऊपर की पंक्ति है, प्रेम पुलक केवट कही नामू, अपना नाम लेके महाराज गुरुदेव मैं निषाद राज केवट आपको प्रणाम करता हूँ, कहाँ से कीन ही दूरी ते दंड प्रणामू। वशिष्ठ जी को अब मैसेज पहुंच गया है, लिखा राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, निषाद राज लेते हैं, वशिष्ठ ऋषि जाके उसको भी उठा करके प्रणाम करते हैं, जैसे कि कोई धरती में लुढ़का हुआ हो उसको स्नेह से समेट लेते हैं। ये पहली क्रांति तो यही हो गई। अब ये लोग वापस आते हैं, सबके खेमे लग गए, अब सभाएं बार 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 जुड़ती हैं, भगवान के साथ कैसे वार्ता की जाए। एक दिन सभा बैठी गुरुदेव वशिष्ठ जी के खेमे में, तो वशिष्ठ जी ने एक बेसिक जो बात है वो उनको बता दी, वो है 253 दोहा। हम समझते हैं भरत जी के संवाद का जो आधारशिला है ना, ये वशिष्ठ जी ने तय कर दी, लोगों को बताया कि इसी लाइन पे बात होनी चाहिए, किसी को अपना आग्रह नहीं करना चाहिए। बोले मुनिवर समय समाना, मिला ना, बोले मुनिवर समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। भरत जी और सभासदों आप सब लोग सुन लो, धर्म धुरीन भान कुल भानु, पहले राम जी के बारे में सुनो, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, सूर्यवंश के सूर्य हैं, राजा राम हैं और स्वतंत्र हैं, कभी कोई उनको परतंत्र नहीं कर सकता, स्ववश भगवानु, पंक्ति बहुत महत्व की है, सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। राम जन्म केवल अयोध्या के दरबार में रहने के लिए नहीं हुआ है, देख रहे हैं, वशिष्ठ जी का है मामला क्लियर। राम जन्म कर जग मंगल हेतु,
गुरु पितु मातु बचन अनुसारी खल दलु दलन, इसलिए वो निकले हैं। देवताओं का हित करने के लिए निकले हैं। आप लोग अपने जरा दायरे से बाहर आ जाना कि कैकेयी की वजह से निकले, कि इसकी वजह से निकले, कि उसकी वजह से निकले। वशिष्ठ जी का रूप बदला बदला सा है यहाँ। बोले उनको निकलना जरूरी था, उनके लिए आए वो। दशरथ जी कौशल्या जी का पुण्य विशेष था, इसलिए उनके आंगन में कुछ दिनों तक उन्होंने लीला की, लेकिन उन्हीं के आंगन में रहने के लिए नहीं आए। ये मामला साफ है। बोलते हैं गुरु पितु मातु बचन अनुसारी खलु दलु दलन। मनुज हितकारी नहीं, देव हितकारी। देवताओं के हित के लिए आए, आप लोग ज़्यादा उनके ऊपर जोर मत देना। जब आप लोग बातचीत करो ना, तो अपनी बुद्धि की सीमा को ध्यान में रखते हुए बात करना। आप कोई ऐसी बात नहीं समझा सकते उनको जो उनको नहीं मालूम हो और आपने कोई नई नीति समझाई हो। एक प्रिंसिपल वाक्य समझ लेना, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ कौन राम सन जान यथार्थ। राम जी के समान कोई यथार्थ नहीं जानता। इन चारों चीजों का ज्ञान केवल उन्हीं को है, इसलिए वो जो कहेंगे वो असली नीति होगी। तो आप लोग जो है, सभी लोग समझदार हो, भाव भी हो, भक्त भी हो, आपकी कुछ इच्छाएं भी हैं, है ना, लेकिन आग्रह ज़्यादा नहीं करना। विधि हरि हरु, ये त्रिदेव नहीं है। विधि हरि हरु शशि रवि दिशिपाला, माया जीव करम कुली काला, अहिप महिप जह जग प्रभुताई, जोग सिद्ध निगमागम गाई। करि विचार जिय देखहुनी के, राम रजाय शीश सबही के। गुरुवाणी में वाक्य आया, हुक्मे अंदर सब कोई। मिलाना जरा, राम रजाय शीश सबही के, बंद एक्सप्लेन कर दिया। विधि हरि हरु से शुरू करके दिक्पाल जोग सिद्ध निगम आगम जो भी है, सबके ऊपर आज्ञा राम जी की चलती है। राम रजाय शीश सबही के, इसलिए राखे राम रजाई। रजाई माने आज्ञा। राम जी की आज्ञा को संभाल लेना, यही सबसे बड़ा फल है। राखे राम रजाई, इतना नहीं रुख, वो क्या चाहते हैं उसको पहचानना। राम रजाई राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। बेसिक है ये, चाहे 10 बार सभा जुटे, लेकिन मुख्य बात यह है कि ये पहचानने का प्रयास करो कि प्रभु क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहता हूँ। इस जगह पर ये बात आगे मत करना, क्योंकि आप तो क्या चाहोगे, हो सकता है आपका चाहना गलत हो, हो सकता है आप गलत चीज चाह रहे हो। वो बोलते हैं राखें राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। समुझी सयाने, आप लोग सयाने हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, सखई सबु समुझी सयाने करहु अब, सब मिली सम्मत सोई। बस ये उन्होंने एकदम जो आधारशिला है ना वार्ता की, वो सुना दी। फिर जैसे जो जिसको बात करना हो करता रहे।
जनक जी बीच में आए, उनके साथ भी सभाएं हुई, माताओं के साथ सभाएं हुई, राम जी के साथ कई बार ये लोग बैठे, ऐसा मानस में बहुत विस्तार से कहा गया। लेकिन अंतिम जो सभा हुई उसमें हमारे राम जी ने फाइनल एक बात कही, बोले भरत सुनो अब कुछ बात, ये 305वां दोहा है, उसके नीचे की अंतिम सभा का प्रकरण है ये, इसका हम लोग जरा पाठ भी कर लें और फिर चर्चा करते हैं। सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुर प्रसाद रखवारा, मात पिता गुर स्वामिनी देसु, सकल धर सुगति भूति मय बेनी, सो विचारी सही संकट भारी, करहु प्रजा पति सब ही मोही भाई, बाटी विपति सब ही मोही भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई, जानी तुम ही मृदु कहूं कठोरा, कुसमय तातन अनुचित उठाय सुबंधु सहाय, ओड़ी हाथ असिनहु के घाय, सेवक कर पद मुख सो साहिब होई,
सुनी सुख बिसरा नहीं सोई भरत ही भयउ परम संतोषु सन मुख स्वामी विमुख दुख दोषु सो अवलंब दे कृपाल जस आयस होई करौ शीश धरि सादर सोई सो अवलंब दे तुम धर्म धुरीना। भरत जी आप कौन हो? आप धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। तात भरत तुम धर्म धुरीना लोक वेद विद, आप कोई साधारण हो? आप लोक रीति को जानते हो, वेद को जानते हो। 304 दोहे के ऊपर की पंक्तियां हैं। लोक वेद विद परम प्रवीण, आप इन सभी में प्रवीण हो, परम प्रवीण हो। कर्म वचन मानस विमल तुम समान, क्या बात है, तुम समान तुम तात। सभा में सबके सामने, वशिष्ठ के सामने श्री राम प्रभु भरत जी के लिए बोलते हैं, तुम समान, तुम समान तुम तात। भरत जी आपके समान आप ही हो, तुम्हारे समान तुम ही हो भरत, और कोई समानता में आता नहीं है। गुरु समाज लघु बंधु गुण कुसमे किम कही जात, क्या कहा जाए, कुछ समय चल रहा है इस समय। जानहु तात तरणी कुल रीति, तरणी माने सूर्य, सूर्य वंश की रीति आपको खूब मालूम है। पिताजी सत्य संध थे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, प्राण छोड़ दिया, उनकी कीर्ति आप जानते हो। सत्य सिंधु पितु, सत्य संध पितु कीर्ति प्रीति, समव समाज लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की, तुम्हें विदित सब कर सब ही कर कर्मु। आपको सबका कर्तव्य मालूम है, किसको क्या कैसे करना चाहिए। भरत जी आपको कोई सिखा नहीं सकता, जरूरत नहीं है। तुम्हें विदित सब ही कर कर्मू, सब ही कर में मैं भी आता हूं। राम जी बोल रहे हैं,
लोगों का ही कर्तव्य नहीं, अपना ही कर्तव्य नहीं, आपको मालूम है मुझे क्या करना चाहिए। आपन मोर परमहित धर्मू, अपना भी जानते हो मोर, मेरा भी आप धर्म जानते हो, बताना नहीं है। मुझ मेरे मन में आप पर बहुत भरोसा है। ऐसा कोई बोले तो दूसरा आदमी पिघल जाए महाराज, वो भी राम जी बोल दें। बोलते हैं मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। पूरा भरोसा है, आप कभी भी कोई चीज गलत नहीं कर सकते, लेकिन समय है ऐसा समझ के मैं बोल रहा हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा केवल गुरुकुल कृपा संभारी, न तरु प्रजा। हमारे गुरुदेव ने हमारी आपकी सबकी संभाल कर ली, उनकी आज्ञा में रहना हम सबके लिए हित है। गुरु प्रभाव पालहीं सब ही, गुरु जी के प्रभाव से सब लोग पल जाएंगे, हुई है भल परिणाम, अच्छा परिणाम निकलेगा। अब हम लोगों को इस सभा प्रकरण को पूरा करना चाहिए। धर्म तो आप जानते ही हो, मेरा भी अपना भी, सो तुम करहु, जानते तो आप हो ही। राम जी का देखो कहने का ढंग क्या है, सो तुम करहु करावहु मोहि, अगर तुम नहीं चाहोगे तो मैं अपना धर्म कर नहीं पाऊंगा। ये प्रेम की रक्षा की, अगर तुम इतना होने पर भी अगर ये कह दोगे कि आपको अयोध्या जाना है तो मैं अपना धर्म छोड़ दूंगा। बताओ भला, करावहु ये नहीं कहा तुम अपना करो हम अपना करें, ऐसे बोलने वाले दुनिया में लोग हैं। राम जी ऐसा नहीं बोलते सो तुम करहु करावहु मोहि, तात तरनि कुल पालक होहु, सूर्य वंश के पालक बनो। बांटी हम लोगों की बड़ी विपत्ति है, 14 वर्ष की विपत्ति आई है। अभी तक भाइयों में संपत्ति का बंटवारा होता रहा है, लेकिन आज एक नई रीत चलाएंगे। बांटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, हम चारों भाई विपत्ति का बंटवारा करेंगे। कुछ तुम अयोध्या में सह लेना और कुछ मैं जंगल में सह लूंगा। बांटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम्हें अवधि भरी बड़ी कठिनाई। मैं तो वन में सुखी रहूंगा, लेकिन तुमको अयोध्या में बड़ी कठिनाई होगी। लो ये जो 14 वर्ष है ना, ये तुम्हारे ऊपर भारी गुजरेंगे, ये मैं जानता हूं। तुम बहुत मृदुल हो, मैं कठोर बोल रहा हूं, लेकिन क्या करूं, समय ऐसा है ऐसा, इसलिए अनुचित मत समझना। और ये पंक्ति गोस्वामी जी ने लिखी, अद्भुत है महाराज। भाई कुछ समय कुठाएं, गाढ़े समय में गलत गाढ़े जगह पर जो सुबंधु है ना, ये शब्द जोड़ दिया है, हो ही कुठाएं सुबंधु सहाय। अगर भाई अच्छा है तो कितना भी खराब समय हो, दुनिया छोड़ जाए, लेकिन वो नहीं छोड़ता। हो ही कुठाएं, कुठाएं मने समय कठिन हो, जगह कठिन हो, होई कुठाएं सुबंध सहाय। कैसे है वो तो दाहिना हाथ है, कभी घायल हो गया हो हाथ है? और फिर से लाठी चलाई जाए, तलवार चलाई जाए, तो सिर को बचाने के लिए वो घायल हाथ फिर से उठता है। तुम घायल हो लेकिन तुम्हें ही उठना पड़ेगा, ऐसी पंक्ति बोली।
हो ही कुठाएं सुबंध सहाये ओढ़िए ही हाथ। असीनी हूँ के घाये तलवार से हाथ पहले से घायल है लेकिन फिर से उठेगा सिर बचाने के लिए। तुम घायल हो तुम्हें ही उठना पड़ेगा फिर से घायल होने के लिए। बस इतना संदेश बहुत है। तुम वहाँ संभालो मुखिया की तरह रहो। बोले मुखिया कैसे रहता है? मुखिया मुख की तरह रहता है। खान पान में एक गोस्वामी जी लिखते हैं सेवक करपद नयन से। जो सेवक हैं वो तुम्हारे अंग हैं सेवक नहीं हैं वो। ये उपदेश ये है जिनको तुम प्रजा कहते हो जिनको तुम सेवक कहते हो जिनको तुम मंत्री कहते हो वो तुम्हारे अंग हैं। मुखिया कहाँ है? मुख सो साहिब होई वो भी तुम्हारा एक अंग है। तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुकवि सराहई सोही। अगर ऐसा बन करके शासन करोगे सब ठीक रहेगा। भरत ही भयो परम संतोषु। भरत जी को ये संवाद सुना जब राम जी का आदेश सुना परम संतोष हुआ। सन्मुख स्वामी, स्वामी सन्मुख हैं और दुख और दोष विमुख हो गए। ऐसी उपमा तो मैंने बहुत शायद पढ़ी ही नहीं है। विषय विमुख सुना था, यहाँ बोलते हैं विमुख दुख दोषु, दुख और दोष विमुख हो गए क्योंकि स्वामी सन्मुख हैं। बोलते हैं अब कृपाल जस आयसु होई। आज्ञा करें प्रभु मुझे कोई अवलंबन दे जिससे मैं 14 साल पार कर सकूं। भगवान ने अपनी पादुका दी है वो सिर पे उन्होंने उठाया। भरत जी ने कहा मैं तिलक की सारी सामग्री लेके आया हूँ क्या करूँ? बोले यहाँ एक कुआं है वहाँ उसमें डालो। उस कुएं का नाम आज भी है वो कुआं चित्रकूट में भरत कूप माना जाता है। वो यहाँ लिखा है प्रेम सनेम निमज्जन प्राणी हो ही विमल कर्म मन बानी। उसका अंतकरण निर्मल हो जाता है। श्री भरत जी ने आज्ञा ली है अयोध्या के लिए और अब जाने की बारी आई। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीश धरी लीनी। भरत जी ने अपने सिर पर पादुका धारण करी है और अब सारा समाज वापस अयोध्या की ओर गया। अयोध्या पहुंच करके पामरी को पादुका को भरत जी ने सिंहासन पर विराजमान करवाया। अद्भुत है सिंहासन पर तो भगवान ही बैठेंगे। और फिर एक दिन गए गुरुदेव के पास। बोले गुरुदेव एक प्रार्थना थी। क्या प्रार्थना है? बोले आयस होई तो रहूं सनेमा। अगर आप आज्ञा दें तब, मेरा आग्रह नहीं है। आज्ञा दें तो मैं भी 14 वर्ष तक व्रत धारण करके रहूं, नियम से रहूं। ये 14 वर्ष मेरा एक अनुष्ठान होगा। ये 323 दोहे के ऊपर की पंक्ति है। आयस होई तरहूं सनेमा बोले मुनि तन पुलक सपेमा। और ये पंक्ति ऐसी है भरत जी के लिए अद्भुत है। बोले वशिष्ठ जी भरत अब तुम ऐसी भूमिका में हो कि कोई ये नहीं कह सकता कि तुम्हें धर्म के अनुसार जीना चाहिए। तुम्हारा जीवन धर्म के अनुसार होना चाहिए ऐसा नहीं कह सकता। ये कहना चाहिए कि जैसा तुम्हारा जीवन है वही धर्म है। जो तुम कहोगे वही धर्म है। कहब ये पंक्ति चाहे तो रेखांकित कर लें लोग आप लोग। कहब करब
समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई ही सोई। धर्म का सार होगा, तुमको कौन है अब बताने वाला कि तुम धर्म के अनुसार रहो। तुम स्वयं धर्म हो चुके हो, जो तुम्हारे विचार हैं, जो तुम्हारी वाणी है, जो तुम्हारी क्रिया है, सब साक्षात धर्म है। परम धर्म सार जगो ही सोई, सुनि सिख। और अब ये भरत जी नंदीग्राम में पधारते हैं नियम लेकर के, व्रत लेकर के, और वहाँ उन्होंने अपना जीवन बिताना आरंभ किया। भरत चरित करि नेम, तुलसी जो सादर सुनहि, सी राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस विरति। गोस्वामी जी इस अध्याय की फलश्रुति, खासतौर से भरत चरित्र की स्तुति करते हैं, फलस्तुति बताते हैं। भरत चरित करि नेम, तुलसी जो सादर सुनहि, सी राम पद प्रेम अवश्य होई। यही तो परम पुरुषार्थ है, अवश्य होई भव रस विरति। भव रस भी रस तो है, लेकिन उससे वैराग्य हो जाएगा। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने द्वितीय सोपान समाप्तः। दूसरा सोपान अथवा कहिए दूसरा कांड यहाँ पर परिपूर्ण होता है। हम चाहते हैं कि आज मंगलाचरण कर लें तृतीय सोपान की, तो दो दिन हम लोग पास है, प्रभु कृपा से ठीक से ही होगा। आते मंगलाचरण पढ़ते हैं। मूलम धर्मतरोर्विवेक जलधे, मूलम मूलम धर्मतरोर्विवेक जलधे, पूर्णेन्दुमानन्ददम् वैराग्याम्बुजभास्करम् यघघनध्वान्तापहं तापहं, मोहाम्भोधरपूगपाटन विधौ स्वसंभवं शंकरम्। वंदे ब्रह्मकुलं कलंकशमनम्, वंदे ब्रह्मकुलं कलंकशमनम्, श्रीरामभूपप्रियं सान्द्रानन्दपयोदसौभगतनुं पीतांबरं सुंदरं पाणौ बाणसरासनं कटिलसत् तूणीरभारंबरं राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। उमाराम गुणगूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। अरण्य कांड में, तीसरे कांड में, गोस्वामी जी की भाषा में, तीसरी सोपान में
क्योंकि गोस्वामी जी ने रामचरित मानस को एक सरोवर कहा, तो सरोवर में उतरने के लिए सोपान है, ये चढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ उतरने की जरूरत है। एक सोपान से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, धीरे 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 अंतर में उतर जाए आदमी, ऐसा गोस्वामी जी की ऐसा रूपक है। तो सोपान शब्द दिया है, दो श्लोकों में मंगलाचरण किया। पहले श्लोक में भगवान शंकर का आवाहन करते हैं, वंदन करते हैं, बोलते हैं वंदे शंकरम स्वसंभवम शंकरम अहम वंदे। भगवान शंकर जो स्वयं भू हैं, स्वसंभवम माने स्वयं भू, जो स्वयं है, किसी कारण से उत्पन्न नहीं है, कार्य कारण की परिधि में जो नहीं आते, बड़ा विशेषण दिया। स्वसंभवम शंकर शंकरम अहम वंदे, कौन हैं वो, आप उनके बारे में क्या कहते हो। धर्म तरोर विवेक जलधे है पूर्णेन्दु, मूलम धर्म तरो हो, धर्म वृक्ष का मूल है, सनातन धर्म शाश्वत धर्म के मूल में भगवान शिव हैं, वो हैं तो शाश्वत धर्म सुरक्षित है। ये जितने भी शाश्वत धर्म हैं वो भीतर से, उनका जो निर्जर है ना, भीतर से है, और वो एक देश में अथवा एक संप्रदाय में बंधे हुए नहीं हैं। विनय सबको अच्छा लगता है, हिंदू मुसलमान को भी अच्छा लगता है, क्रिश्चियन ईसाई पारसी सबको लगता है। विनय किसी एक धर्म की संपत्ति नहीं है, विनय आचार्य कृत नहीं है। राज्य से एक बार चर्चा हो रही थी, सनातन धर्म किसको कहते हैं, बोले जो आचार्य प्रवर्तित नहीं है, जिसका प्रवर्तक कोई आचार्य नहीं है। विचार करना, जितने भी धर्म हैं उनको प्रवृत्त करने वाला, उनको शुरू करने वाला कोई न कोई आचार्य है। मोहम्मद साहब हो, क्राइस्ट हो, और कोई हो, युहाना हो, सनातन धर्म का प्रवर्तक कोई आचार्य नहीं है। सत्य सबको चाहिए, विनय सबको चाहिए, निरभिमानता सबको चाहिए, सरलता सबको चाहिए, पाखंड कोई भी पसंद नहीं करता, अहंकार कोई पसंद नहीं करता,